तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद। स्तोत्रगण अध्याय 18 पद संख्या 13 में वचन कहता है, ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहां मुझे शरण मिलती है, वही मेरी ढाल है, मेरी शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। जी हाँ प्रभु, हम तुझे छोड़कर और किसके पास जाएं? जब हमारा कोई साथ नहीं देता तो तू ही हमारा वह आश्रयदाता बनता है। अगर हमारे जीवन में हमें चोट पहुंची है, तू ही है जो उस घाव को भर सकता है। आज इस पवित्र यूक्रिस्ट के सामने में जितने भी लोग उपस्थित हैं, जितने भी व्यक्ति इस पवित्र यूक्रिस्ट को देख रहे हैं, इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आज आपके हर एक घावों को भरने वाला है। yes. क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं है। तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। यीशु तू मेरा पर जितने भी लोग इस पवित्र नित्य आराधना में उपस्थित हैं, आइए हम सब अपने दिल में अपने दोनों हाथों को रखें और हम आज उन हर एक गिले शिकवे जो कि कई समय से हमारे जीवन में मौजूद हैं, उन सभी को हम प्रभु को समर्पित करें। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में वचन कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा, पापी
अपने हाथ शुद्ध करें, कपटी अपना हृदय पवित्र करें। जी हां प्रभु, हम पापी हैं, हमें बहुत सारे कमियां हैं, हम कमजोर हैं, जाने अनजाने में हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आइए अपने हम दोनों हाथों को अपने दिल में रखें और मेरे साथ में आप जितने भी पुरुष मौजूद हैं दोहराते जाएं। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी भी स्त्री की जो गरिमा है उन्हें जो मिलनी चाहिए वो अगर नहीं दिया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखा हो उन पर हाथ उठाया हो उन्हें गलत स्पर्श किया हो उनकी भावना को ठेस पहुंचाया हो उन्हें धोखा दिया हो उनसे झूठ बोला हो उन सभी बातों के लिए आज मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं सारे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें। यीशु यहाँ पे जितने भी पुरुष मौजूद हैं आज इस पवित्र नित्य आराधना के सामने, जो लोग यूक्रेस के सामने देख रहे हैं, प्रभु उन सभी को स्पर्श कर रहा है, उनके हर एक अंगों को, उनके हर एक दृष्टिकोण को वो वापिस नवीन बना रहा है, उन्हें वो पश्चाताप, वो क्षमा कर रहा है। प्रभु जी उनमें बहुत सारी कमजोरियां होंगी, उन सभी में प्रभु वो स्पर्श करते हुए आज उनको चंगा कर रहा है, वो नवीन कर रहा है। यीशु नन्नी यीशु स्तोत्र प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 यीशु स्तोत्र प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड यीशु तू मेरा है आसरा याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में वचन कहता है, प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। आइए इस नित्य आराधना में जितने भी स्त्री हैं जो इस पवित्र यूक्रिस्त को देख रहे हैं, वो अपने हाथों वो अपने दिल में अपने हाथों को रखें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे क्षमा मांगें जब जब हमने पुरुषों को तिरस्कार किया होगा, उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए उनकी जो गरिमा है उन्हें ठेस पहुंचाई होगी। आइए मेरे साथ में वो हर स्त्री जो इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं मेरे साथ में दोहराते जाएं।
आज तक कभी भी मेरे जीवन में जितने भी पुरुष आए होंगे चाहे वो मेरे पिता मेरे भाई या मेरा पति या मेरा दोस्त होगा उन्हें कभी भी जो इज्जत मिलनी चाहिए जो गरिमा देनी है वो अगर नहीं दिया हो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ उनका तिरस्कार किया हो उन्हें धोखा दिया हो उन पर चिल्लाया हो उनसे झूठ बोला हो अपने कार्यों से ठेस पहुंचाई हो मैं तहे दिल से उसके लिए पश्चाताप मांगती हूँ तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए, तेरे सिवा और कोई नहीं यीशु, तेरे सिवा कोई नहीं दुनिया में मेरे लिए। आइए प्रभु की स्तुति करें। यीशु ने यीशु सोत्र प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यीशु सोत्र। उन हर एक स्त्रियों को हम प्रभु के समक्ष रखते हैं प्रभु जी, जिनसे किसी भी प्रकार की गलतियां होंगी, पुरुषों को वो ठेस पहुंचाई होगी, उन सभी आज पवित्र युगस के सामने उन हर एक स्त्रियों को, उन हर एक बहनों को, उन हर एक महिलाओं को प्रभु आज आशीषित कर रहा है, उनको हर एक कमियों को दूर कर रहा है, उनके जीवन को वापस नवीन बना रहा है प्रभु यीशु ने। प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 यीशु स्तोत्रम। प्रेज लॉर्ड उनके हर एक घावों को प्रभु भर रहा है यीशु स्तोत्रम। प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया 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 यीशु यीशु तू मेरा गण 103 पद संख्या 2 में वचन कहता है, मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। आज हम उस नए जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उन हर एक ब्रोकन रिलेशनशिप को जो कि प्रभु ने आज संपूर्ण रूप से आपको स्वस्थ किया है, उन सभी को वापस नवीन बनाया है, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु हालेलुया।
वचन कहता है प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह हजार पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई अपराध और पाप क्षमा करता है। पाप क्षमा करने वाला प्रभु, अपराधों को भुलाने वाला प्रभु, बुराइयों को हमसे दूर करने वाला प्रभु, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर, करुणामय ईश्वर, दयालु ईश्वर आज इस समय इस पवित्र वेदी में उपस्थित है। आओ हम हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे राजा के पास चले। वही प्रभु कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। प्रभु करुणामय ईश्वर आज हमारा दुखों को हरने के लिए, हमारे निराशा भरे जीवन में सांत्वना देने के लिए, रोगों से चंगाई देने के लिए वह राजा इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। स्त्रोत ग्रंथ में वचन कहता है सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु तू प्रार्थनाएं सुनता है और प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है, इसलिए हम इस समय तेरे पावन चरणों में आए हैं राजा संजय को लेकर। उसे कृपा दे प्रभु नया घर खरीदने की, और जो घर है जो उसने योजना बनाया है घर को बेचने के लिए उसमें उसे आशीषित कर, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी नौकरी प्रदान कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं रूपवती को समर्पित करते हुए अपने पवित्र घावों के द्वारा उसके सभी शरीर के दर्द से उसे चंगाई प्रदान कर। शोभा को समर्पित करते हैं प्रभु उसके सभी शारीरिक बीमारियों से उसे पूर्ण चंगाई दे और कोर्ट केस से उसे छुटकारा प्रदान कर। शोभा के समान कोर्ट के केस में फंसे उन सभी भाई बहनों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में तू आ, उनके परिवार में तू आ, और जो कोर्ट केस है प्रभु उसमें तू उन्हें न्याय दिला, क्योंकि न्यायकर्ता प्रभु तू ही है। हम प्रार्थना करते हैं स्नेहा को समर्पित करते हुए उसके सभी शारीरिक रोगों से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे करुणामय दया सागर यीशु हमारे राजा, इस समय इस नित्य आराधना में हमारे साथ जुड़कर शारीरिक रूप से रोगी भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, मानसिक रूप से रोगी भाई बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से जो रोगी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, जो तेरी ओर देख रहे हैं प्रभु की तू हमारे इन भाई बहनों के जीवन में हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए उन्हें चंगाई प्रदान करेगा। हाँ प्रभु प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के अनुसार तू ऐसा ही कर और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हैं। हालेलुया 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 करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हे यीशु हमारे प्रभु हमारे राजा, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 से हम पढ़ते हैं प्रभु संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को प्रभु तेरे पास लेकर आए, रोगियों को तेरे पास लेकर आए, और तूने उन्हें शब्द मात्र से चंगा किया, अवधूतों को निकाला। हाँ प्रभु उसी प्रकार हम भी इस समय हमारे उन सभी भाई बहनों को लेकर आए हैं जिन्हें तेरी दया की, जिन्हें तेरी चंगाई की अति आवश्यकता है। हम प्रार्थना करते हैं स्टीव और जेनेट को समर्पित करते हुए उनके जीवन में तू आशीष प्रदान कर प्रभु, अपने अनुग्रहों से भर दे, उनके मन को परिवर्तन कर, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान कर और एक अच्छा कैथोलिक विश्वासी जीवन जीने की कृपा प्रदान कर।
उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास को त्याग दिए हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी और भटक रहे हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुमिता गोम्स को समर्पित करते हुए, प्रभु जी हृदय के रोग से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर और हृदय के साथ अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, अपने पवित्र हृदय के द्वारा उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करो। हृदय के रोग से पीड़ित उन सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सुचिता लकड़ा को समर्पित करते हुए, उसके पति केरोबिन लकड़ा को समर्पित करते हुए, हाँ प्रभु उन्हें भी एक और संतान का आशीष प्रदान कर, उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निसंतान दंपतियों के लिए जो बड़ी आशा के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना की मांग किए हैं प्यारे यीशु संतान का वरदान के लिए, जिस प्रकार तूने एलिजाबेत पर कृपा दृष्टि की, उसका ध्यान तुझे आया, उसका बांझपन तूने दूर किया, उसी प्रकार उन सभी निसंतान दंपतियों को संतान का वरदान दे। हम प्रार्थना करते हैं रश्मिता सोरेन को समर्पित करते हुए, हे प्रभु रश्मिता सोरेन के जीवन को अपने अनुग्रहों से भर दे, उसके पति के मन को परिवर्तन कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, परिवार के सभी सदस्यों को सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर और अपने अनुग्रहों से भर दे। उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु नाजरी जो इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, जहां अशांति है, जहां दुख है, जहां बीमारियां हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जहां सैतानिक बंधने हैं, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप है, अभिशाप है, नशा की पापमय बंधन है, हाँ प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हम प्रार्थना करते उन सभी पति पत्नियों के लिए जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं प्रभु लेकिन तुझे तलाक से घृणा है, उन सभी पति पतियों के मन को परिवर्तन कर, उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम उत्पन्न कर, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा दे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इन सभी अर्जियों के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करने वाले उन सभी विश्वासी अविश्वासी भाई बहनों के लिए जो आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते, आत्मिक रूप से सहायता प्रदान करते, उनके घर में, उनकी नौकरी में, उनके व्यवसाय में, उनके खेती बाड़ी में, कामकाज में 100 गुना बरकत दे यीशु नाजरी। इन सभी अर्जियों को लेकर हम तेरी दुहाई देते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, इस आशीष के दौरान हम हमारे परिवार के सभी बेरोजगार व्यक्तियों को समर्पित करते हैं, हमारे युवा पीढ़ियों को समर्पित करते हैं जो कर्ज में डूबे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, हर प्रकार की आर्थिक संकट हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी, हमारे परिवार में बरकत हो प्रभु जी, इसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। धन्यवाद धन्यवाद यीशु जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया।